बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित और और मंच पर में उपस्थित डॉक्टर सुधीर पवार साहब, थाना भवन से पूर्व ब्लॉक प्रमुख शेर सिंह राणा जी, थाना भवन से जिला पंचायत सदस्य इंदु बाबरी अंकल जी, मेरे साथ चल रहे असलम प्रमुख साहब, मुस्तकीम चाचा और सभी सम्मानित लोग जो यहाँ पर गांव के मौजूद हैं, आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ये इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे लिए रखा और इतना हमें मान सम्मान दिया। आप सबका ये चुनाव का दौर है और आपके बीच में हम वोट की अपील के लिए आए हैं। साइकिल का निशान है आने वाली 19 तारीख है और आप लोग जानते हैं ये चुनाव हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना अहम है। ये चुनाव हमें अन्याय का बदला लेने का हमारे पास एक मौका है, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का और देश में बदलाव लाने का। तो आप सबसे मेरी यही अपील है कि ये जो चुनाव हमारे संविधान के द्वारा हमें मौका देते हैं हर 5 साल में बदलाव करने का, ये हमारे ही फायदे के लिए है। क्योंकि अगर हम एक ही व्यक्ति को, एक ही पार्टी को बनाते रहेंगे तो हमारा देश तानाशाही के कगार पर चला जाएगा। बदलते रहने में हमारा सभी का फायदा है और जो पार्टियां हैं और जो नेता हैं वो भी अपने काम में चुस्त रहते हैं कि उनके मन में ये डर रहता है कि हमें बदल ना दिया जाए। तो ये मौका बहुत अहम है। आप लोगों से मेरी ये निवेदन है, 10 साल से आपने हमने डबल इंजन की सरकार को देखा है, हमारे क्षेत्र में क्या लाभ डबल इंजन का पहुंचा ये आप समझते हैं, बेहतर जानते हैं। हमारे जिले में शामली में 3 महीने तक एक धरना चला किसानों का अपने पेमेंट के लिए। एक किसान अपने परिवार का पालन पोषण अपने पेमेंट के जरिए ही करा सकता है और जब वो भी आपको समय से ना मिले और उसके लिए आपको अपना काम काज छोड़कर जब धरने पर बैठना पड़े तो ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए। क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जहाँ उसका भी सम्मान नहीं है, जहाँ हमारे अन्नदाता का सम्मान नहीं है तो वहाँ किसी का सम्मान नहीं हो सकता। और इस सरकार ने बार बार ये दिखाया है कि वो किसानों का सम्मान नहीं करती, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो जिसमें बेरहमी से किसानों को कुचल के मारा गया, चाहे 1 साल तक जो धरना चलाया गया उसमें 700 हमारे किसान शहीद हुए, लेकिन उनके लिए किसी की कोई संवेदना हमारी सरकार की तरफ से नहीं आई। उसके बाद भी आज भी हमारा MST का दावा भी अधूरा है और हमारे भाई हैं यहाँ खड़े हैं जो पहले अग्निवीर की पहले फौज में भर्ती की तैयारी करते थे, अब 4 साल के लिए अग्निवीर बनाकर उन्हें छोड़ दिया। कोई और भर्ती निकलती है अगर तो पेपर लीक पहले हो जाते हैं। ये सारी आपके मुद्दे हैं, आपकी समस्याएं हैं जिनका निस्तारण का कोई तरीका अगर है तो वोट है। क्योंकि धरने आपने हमने देकर देख लिए, धरने देकर कोई सुनवाई नहीं होती, तो अब एक ही माध्यम हमारे पास बचा है कि हम वोट दें, सही जगह पर वोट दें, बदलाव के लिए वोट दें। मेरी माएं बहने यहाँ पर खड़ी है, किस तरीके से महिला जो हमारी खिलाड़ी थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, हाथरस की घटना आपको सबको याद होगी और मणिपुर में क्या हुआ ये भी मुझे कहते हुए शर्म आती है। तो आप लोग सब इन बातों को समझते हैं, ये सरकार ना किसानों की है, ना मजदूरों की है, ना महिला के सम्मान की है, ना गरीब व्यक्ति की है, ना छोटे व्यापारी की है। सबको इन्होंने उलझाकर इस देश की सारी सरकारी संस्थाएं बेचकर अपने कुछ पूंजीपतियों की जेब भरने का काम किया है। तो ये सरकार हमारे हितों की नहीं है और इसलिए जरूरी है कि हम सब 36 बिरादरी इकट्ठा हो और इस सरकार को बदलने का काम करें। हमारा जो ये चुनाव है बहुत मजबूत है, इसमें हमें भरपूर समर्थन और प्यार राजपूत समाज ने देने का काम किया है।
उनके साथ ही सैनी समाज का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है, हमारे कश्यप समाज का भी भरपूर समर्थन है और दलित समाज का भी आशीर्वाद हमारे साथ है। और आज जहाँ हम खड़े हैं, ये जाट बाहुल्य गांव है और आपका हमारा तो पुराना रिश्ता है। मेरे पिताजी की राजनीति में सबसे अहम भूमिका जाट समाज की रही है हमेशा, और आप लोगों से गहरा ताल्लुक रहा है मेरा भी। मैंने अब तक का जो मेरा राजनीतिक सफर रहा उसमें सबसे ज्यादा आशीर्वाद मुझे आप लोगों से प्राप्त हुआ है। तो मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि ये चुनाव जिसमें मुझे पार्टी ने मौका दिया, इसमें मुझे आपके साथ और समर्थन और आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप लोगों ने पिछली बार हमारे माननीय सांसद जी को मौका दिया था और इस बार आपकी बेटी, आपकी बहन आपके बीच इसी मौके की गुहार लगाने के लिए आई है। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगी कि आप सब मेरे बड़े हैं और ये बदलाव का चुनाव है और मैं आपकी बेटी आपसे आशीर्वाद लेने आई हूँ कि इस बार आप अपनी बेटी पर यकीन रखें। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जैसे आज आपके बीच हूँ, इसी तरीके से आपके सुख दुख में, आपकी परेशानी में, आपकी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने में मैं खुशी से आपके बीच रहूँगी। तो आने वाली 19 तारीख है और इसमें आप लोग अपना आशीर्वाद वोट के रूप में साइकिल का बटन दबाकर इंडिया गठबंधन